सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आपके हृदय में विराजमान प्रभु को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आज संत संदेश के इस कार्यक्रम के अंदर संतों की बात, संतों की वाणी, संतों का मनन, संतों का चिंतन, संतों की ऐसी बात जो अपना अनुभवी बात समाज तक पहुंचाने का एक कार्य हम इस टीवी के माध्यम से आपके लिए सभ्यता और संस्कृति संतों के माध्यम से ला रहे हैं। विविध संतों की बात, विविध संतों का ज्ञान, विविध संतों की चर्चा और विविध संतों का अपना अनुभव का एक अनोखा कार्यक्रम, जिसमें आज हमारे गुजरात के वागलधरा गांव के सिद्धाश्रम धाम में भगवान पारदेश्वर के चरणों में हम खड़े हैं। उनके आशीर्वाद से ही एक संतों का मिलन हो रहा है और हमारे गुजरात के इस सिद्धाश्रम धाम के नज़दीक हमारे पूज्य वंदनीय नीलेश बापू जी यहाँ मेरे साथ उपस्थित हैं और उनके साथ आज हम संतों की वाणी, संतों की बातें करेंगे। महाराज जी प्रणाम, वंदन। महाराज जी, आपको मैं कई सालों से जानता हूँ। आप हमारे सिद्धाश्रम धाम के एक परिवार के अंग हो। आप आते हो, जाते हो, रहते हो, ज्ञान की बातें करते हैं, चर्चा की बातें, कभी हमने किसी की निंदा चुगली नहीं की। जय हो। और हमने इसमें एक सब्जेक्ट रहा आपका कि गौ कथा, तो गौ कथा आपने अनेकों कथा पूरे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, अन्य अन्य जगह की। आप मुझे ये बताओ कि लोग कई बार गाय को पशु मानते हैं और हकीकत में हमारे सनातन धर्म की इस परंपरा में गाय को माता माना गया, बताइए उसके बारे में क्या है चिंतन? गुरुदेव को प्रणाम। आज बहुत दिनों के बाद मेरी एक अभिन्न अभिलाषण आशा थी कि गुरुजी से कुछ संस्कार चैनल के द्वारा गौ माता के बारे में, कथा के बारे में, और गुरुजी ने पूछा गाय को पशु क्यों बोला जाता है, तो वास्तव में गाय पशु नहीं है, क्योंकि अगर पशु होती तो नेपाल में पशुपतिनाथ नहीं होते। जिसकी बुद्धि पशु बुद्धि है तो गाय की सेवा करता है तो वो देव बुद्धि हो जाती है। अगर पशु होता गौ माता तो कृष्ण गाय की सेवा नहीं करते, गाय को नहीं चराते। गाय की सेवा करते हुए भगवान कृष्ण जो जगत गुरु होते हुए भगवान बन गए, यानी कि भगवान की भगवान गौ माता है। अगर गौ की सेवा जो करता है वो मनुष्य नहीं देव बन जाता है और भगवान तक पहुंच जाता वो। इसलिए आप जैसे संतों के आशीर्वाद से मैं बरसों से गौ कथा, जहां व्यक्ति गाय को पशु बोलते हैं तो पशु ना बोलकर माँ बोलें, गौ माता बोलें। और भारतीय संस्कृति का जो धरोहर में गौ माता है, आज गौ माता रात दिन दुखी हो रही है इस भारत भूमि में। गौ माता सुबह 5 से 6 के बीच में 1,00,000 गौ माता कट रही है, ये रोज मैंने देखा है, सुना है। इसलिए मैं रात दिन गौ माता के लिए दौड़ता रहता हूँ और आप संतों का, आप गुरु का मैं आशीर्वाद दिनों दिन लेता रहता हूँ और कहता हूँ कि हे गुरुदेव, इस गौ माता के लिए मुझे एक कथा अपने, आपने बोला कि जरूर होगी। पशु बुद्धि आज व्यक्ति में भर गई है, बहुत सारी ठस ठस के भर गई है। उस पशु बुद्धि को निकालने के लिए जब तक व्यक्ति गाय की शरण में नहीं जाएगा, गौ माता को नहीं समझेगा, तब तक वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकेगा। इसलिए इस पशु बुद्धि आज व्यक्ति को गौ माता को ढोर बोलता है, जानवर बोलता है। अरे जानवर ने जानवर जैसी बुद्धि वालों को देव बुद्धि बना देती है गौ माता का दूध। गौ माता की रज रज में बहुत शक्ति है, उसके रोम रोम में 33 कोटि देवता हैं, 33 कोटि देवता समावेश हुए हैं। गौ माता के सिंह में ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हुए हैं, गौ माता के दोनों कान में दो वैद्य हैं, देवता को वैद्य अश्विन और कुमार, उनको नाम अश्विन कुमार है। अगर आपके शरीर में कोई व्याधि व्याधि उपाधि है, आप गौ माता के कान में जाके बोलें कि माँ मुझे दर्द है, मुझे तकलीफ है, तो गौ माता के अंदर जो मेन गेट पर वैद्य बैठे हुए हैं वो सुनते हैं और गौ माता को जंगल में ले जाके वो जो जड़ी बूटी वो खिलवाते हैं, ये माँ खा तू, और जो गौ माता वो जड़ी बूटी खाती है फिर वो शाम को आती है अपनी जगह पर, और जो व्यक्ति
निबाधा ली है, गौ माता से प्रार्थना की, प्रेरणा ली है, तो गौ माता गौमूत्र से, गोबर से, दूध से वो वनस्पति अपन को देती है। जैसे कैंसर जैसे महान राक्षस को भी वो पंचगव्य से दूर किया जाता है, व्यक्ति बच सकता है। गौ माता की सेवा निरंतर होनी चाहिए। अगर जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है, और दर व्यक्ति के घर में कम से कम 3 से 5 गाय होनी चाहिए, 3 से 5 गाय हर व्यक्ति के पास में होनी चाहिए। और जिस ब्राह्मण के पास में अगर गाय नहीं होती है, उस ब्राह्मण को भी पूजा करने का हक नहीं है। और जहाँ जिस आश्रम में, मंदिर में भी अगर गाय नहीं है तो वो आश्रम अधूरा कहलाता है। तो मैंने इस वागलधारा में पारदेश्वर महा ज्योतिर्लिंग के अंदर आपके शीश चरण में आपने गौ माता को विराजमान किया हुआ है। पहले तो मैं आपको कोटि कोटि वंदन करता हूँ कि आप, मैं भले गौ कथा करता हूँ, मैं आप परम रोम रोम में आप में गौ समाई हुई है, इसलिए आपने ये बड़ा आयोजन रखा हुआ है। और इस बिल्वी पत्र जो ये खड़े हुए हैं, आपने बोला कि कहाँ कहाँ से खड़े हो गए, तो गाय के गोबर से बिल्वी पत्र पैदा हुआ है। इसलिए गाय एक अनोखी सत्ता है। गाय के स्थान में सागर देवता बैठे हुए, समुद्र वसते लक्ष्मी, सागर देवता बैठे हुए। इसलिए गाय के जो स्तन है 4, वो उसमें जब गाय बछड़ा देती है तो उसमें पूरा दूध अपना नहीं है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं, महादेव जी कहते हैं, भोले बाबा कहते हैं कि जब आ गौ माता प्रसव होता है, दूध देती है, वो दूध पूरा 1 महीने तक तो बच्चे को पिला दिया जाता है, अपन को लेने का हक नहीं है। उसके बाद 2 स्तन अपने, 2 उस बच्चे के लिए रखे जाते हैं, उसका जो बच्चा है उसका हक है। शिव बाबा कहते हैं कि जब तक उस बच्चे का दूध है, अगर बच्चा पिएगा नहीं और आप निकाल कर आप खुद पियोगे और मेरे ऊपर अभिषेक करने के लिए आओगे, तो मैं स्वीकार नहीं करूँगा, शिव भोले बाबा कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि हे गौ माता, आप इस धरती पर और भारत भूमि पर जिस कृष्ण ने आपकी रक्षा की, गौ माता अपनी रक्षा करती है, अपन को रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है, गाय अपनी रक्षा करती है। अपन विचार के गाय अपन रखते नहीं, गाय अपन को रखती है, गाय अपन को रखती है। अब जो शिव बाबा हैं, महादेव हैं, उनके सामने जो नंदी महाराज बैठे हुए हैं, नंदीश्वर भगवान बैठे हुए हैं, वो धर्म का प्रतीक है, वो धर्म है, वो धर्म पर शिव बाबा विराजमान है। इसलिए शिव जी कहते हैं कि जो गौ भक्त होगा वही मेरे पास में आ सकता है, बाकी मैं किसी को स्वीकार करता नहीं हूँ। क्योंकि आगे नंदी महाराज हैं और नंदी का धर्म का प्रतीक है, यानी कि तू पहले दिल, हृदय और तेरे जीवन में गौ माता को उतार दे, और जहाँ नंदी होगा वहीं शिव बाबा होंगे, नंदी के बगैर शिव बाबा रह सकते ही नहीं हैं। इसलिए मैं बार बार हर गाँव में, हर क्षेत्र में, हर नगर में, हर ढांडी में जाकर गौ के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप गौ से जुड़िए, गौ से जुड़िए। जब तक आप गौ से नहीं जुड़ोगे तो तब तक आप परिवार से भी जुड़ नहीं पाओगे। आज परिवार बिखर रहा है, उसका कारण है क्योंकि आज गौ माता अपने घर में नहीं है, गौ माता को छोड़ दिए। एक बार ब्रह्मा जी के पास में सभी देवता गए प्रभु, और सभी देवता गए और देवता ने प्रार्थना की कि हम सभी देवता अलग अलग हैं, तो ऐसा क्या किया जाए प्रभु कि हम एक जगह आके बैठ जावें, एक जगह आके बैठ जावें। तो ब्रह्मा जी ने बोला, आप देवता ने अच्छी अपील की है, बढ़िया अपील की है, इस अपील के लिए हम एक, तो भगवान ब्रह्मा जी ने गौ माता को प्रकट किया, और गौ माता को प्रकट किया और सभी देवी देवता को प्रार्थना की कि आप इस गौ माता में बैठ जाइए। और जब सभी देवी देवताओं बैठ गए, जिस प्रकार आपको बोला कि गौ माता की पूंछ है, अपने भारत में एक देव हैं, वो देव बहुत माने हुए देव हैं, उनके देव के बगैर कोई व्यक्ति कोई कथा कर ही नहीं सकता, भक्ति कर ही नहीं सकता, जो उनका नाम बजरंग बली है, हनुमान जी है। और हनुमान जी जो पूंछ है तो हनुमान जी संदेशा देते हैं, संकेत देते हैं, हे संसार के लोगों, मेरी पूंछ क्या संदेशा देती है कि मैं पूंछ वाली गाय की सेवा करता हूँ, पूंछ वाली गाय की सेवा करता हूँ। और पूंछ वाली गाय की सेवा इसलिए करता हूँ कि मुझे राम से उसने पहचान करवा दी है, पहचान करवा दी, राम से मेरी पहचान करवा दी है, इसलिए मैंने पूंछ वाली गाय की सेवा में कर रहा हूँ। और राम का भी जन्म गाय के खीर से हुआ है, दशरथ से नहीं हुआ है, राम का जन्म भी गाय के खीर से हुआ है। इसलिए शास्त्र अपने रामायण में लिखा है कि जब राम का जन्म नहीं हुआ था, उस समय विश्वामित्र के पास में विश्वामित्र जी को दशरथ राजा ने बुलाया कि मेरा दीपक अब अस्त हो रहा है, क्या किया जाए कि ये दीपक और अयोध्या नगरी, भारत नगरी और प्रज्वलित होवे, प्रकाशित हो जाए, होवे, ऐसा क्या किया जाए। उस समय विश्वामित्र, वशिष्ठ महाराज सब खड़े होकर बोलने लगे, हे राजन, आपकी संतान नहीं है, उसका हेतु रावण है, उसका हेतु रावण है। रावण को पता है कि अवध में दशरथ के वहाँ कौशल्या के पेट से एक भगवान पैदा होने वाले हैं, राम पैदा होने वाले हैं, राघव पैदा होने वाले हैं, और वो मेरा
अंत कर डालेंगे, मुझे मारेंगे। इसलिए रावण ने उसके दरबार में एक राक्षसों का ही नगर था लंका तो, पर उनके एक एक राक्षसी थी, उस राक्षसी का नाम था सुभक्षा। सुभक्षा नाम की जो राक्षसी थी उसको रावण ने बुलाया और रावण ने बुलाकर बोला कि आप ऐसा करो कि चित्रकूट में अवध के राजा श्री दशरथ पधारेंगे और उनसे निष्पुत हो जाए, ऐसा काम करके आओ, संतान नहीं हो ऐसा काम करके आओ। तो उसने सुभक्षा ने विचार किया अगर मैं मना करूंगी तो ये राक्षस मुझे मार डालेगा, ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि इसकी बात मानी जाए। तो दायक वो सुभक्षा विशेष विमान से चित्रकूट में आई और जब दशरथ राजा टहल रहे थे, घूम रहे थे, खड़ी होगी सामने, तरह तरह के रूप धारण कर दिए उसने, तरह तरह के, क्योंकि राक्षसी है, तरह तरह के रूप धारण कर दिए। आंखों में राजा दशरथ वहां से फिसले नहीं, जरा भी नहीं फिसले। अंत में ऐसा काम पैदा कर दिया उस राक्षसी ने तो राजा दशरथ फिसल गए, ऐसी कथा वाल्मीकि में बता रहा है, फिसल गए। और उसमें से उसने जो संसारिक भोग भोगे, उस संसारिक भोग भोगने के बाद राजा दशरथ को निपुत बना दिया उसने, उनके जो ओज तेज शिक्रण वीर्य जो थे उसने खींच लिए, उस लंका में पहुंच गए और बोला रावण को कि मैं आपका काम करके आ गई। अब इधर चर्चा कौन कर रहा है, गुरु जी वशिष्ठ महाराज कर रहे हैं, दशरथ जी इसी कारण आपके संतान नहीं हुए। रावण ये जानता था हम तुम्हारे गुरु हैं, जैसे आप इस संसार के गुरु हैं, आप एक धर्म की ध्वजा लगा रहे हो, आप दुनिया को बता रहे हो, संतान क्यों नहीं होगा। अभी दो दिन पहले कथा हुई जिसमें बोला था आपने कि शिवरात्रि के दिन ही आपका बच्चा होगा और आपके आशीर्वाद से उनकी संतान हुई, फिर आपने बोला पीछे एक कोई निशानी है तो निशानी भी निकली, तो उस समय मैं भी गदगद हो गया कि इतने आप अंदर से कब कल क्या होने वाला वो भी बता सकते, ऐसी आत्मा को पहचानने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, ये हरिद्वार है, ये हिमालय है, ये काशी है, ये बनारस है और आपने तो पूरा मथुरा चारों धाम बना दिया आपने। तो विश्वामित्र वशिष्ठ महाराज बात करें दशरथ जी से और दशरथ जी ने बोला कोई चिंता मत करो, हमारे पास में एक संत हैं, एक गुरु जी हैं, एक महात्मा जी हैं, वो हिमालय में रहते हैं, उनको भी अपन अपन कॉल करते हैं। अभी मंत्र आज का कॉल पर मंत्र था, मंत्र के द्वारा बोले क्या बोला गुरु जी वशिष्ठ बोलते हैं, शिंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, शिंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। जिस पर का आपने अभी यज्ञ की रचना रची ने आपने करवाया, आप बैठिए, मैंने आप आपके पास में बैठा, मुझे बहुत अच्छा। इसी प्रकार शिंगी ऋषि को बुलाया वशिष्ठ महाराज ने और शिंगी ऋषि के पास में उस समय 100,000 गौ माता थी, एक वाल्मीकि कथा बोलती है, वाल्मीकि रामायण बोलती है, 100,000 गौ माता थी। और सिंह ऋषि का मतलब क्या हुआ, क्योंकि सिंह वाली गौ माता की सेवा करते करते उनके यहां पे सिंह निकल गया था, यहां सिंह निकल गया था, सिंह ऋषि का मतलब ही होता है। और जब सिंह ऋषि के पास में संदेशा पहुंच गया तो सिंह ऋषि ने 100,000 गौ माता का दूध निकालकर 50,000 गौ माता को दूध पिला दिया, वही दूध, फिर 50,000 गौ माता का दूध निकालकर 25,000 को पिला दिया, 25 का निकालकर फिर 15-12 को पिला दिया। इस प्रकार पिलाते 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 में आखिर में एक गाय दो गाय का दूध निकालकर 1 गौ माता को पिला और उसका जो दूध निकला वो दूध की वहाँ हिमालय में खीर बनाई वनस्पतियाँ डालकर, जड़ी बूटियाँ डालकर। और फिर जब ये यज्ञ जब पुत्रिष्ठ यज्ञ चल रहा था उसमें गुरु जी सिंगिरी महाराज जी पधारे और जब खीर की आहुति दी गई, इसलिए भी बोला आगे बोला कि ये दशरथ से पैदा नहीं हुए, ये खीर से पैदा हुए, राम खीर से पैदा हुए, लक्ष्मण खीर से पैदा हुए, शत्रुघ्न खीर से पैदा हुए, भरत जी खीर से पैदा, हमारे हनुमान जी भी खीर से पैदा हुए, ये शास्त्र बोल रहा है। और गौ माता की अगर जितनी भी कथा मैं करूँ, जब भी होगी मैं विस्तार से पूरे पेट भर के सबको सुनाने की पूरी कोशिश करूँगा। गुरुदेव, यहाँ महाराज जी ने जो मैंने प्रश्न किया था कि गाय को माता क्यों कही गई, उसको एक नहीं अनेक उदाहरण देकर के आपको गाय माता का एक महत्व समझाया, चाहे देव हो, चाहे देवता हो, चाहे मानव हो, चाहे कोई भी यूनिक व्यक्तित्व हो, उनको गौ माता का एक कहीं ना कहीं प्रयोग के रूप में दूध का उपयोग किया जाता है। कई बार ये भी प्रश्न आता है कि भाई हम शहरों में रहते हैं, हम विदेशों में रहते हैं, तो हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है, हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है कि 3 बेडरूम का घर है तो गाय माता को कहाँ रखे।
तो यहाँ मैं निवेदन करूँगा कि जो आप लोग गाय माता के प्रति श्रद्धा रखते हैं, मैं ही नहीं कहूँगा पूरा विश्व श्रद्धा रखे, अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनकी श्रद्धा अलग होती है। मुझे मेरी माँ प्यारी है उसका मतलब नहीं कि मेरी माँ किसी और को प्यारी है, मुझे मेरी माँ प्यारी है। तो पूरा सनातन धर्म की माँ है गौ माता, तो सनातन धर्म की गौ माता के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जिनके पास व्यवस्था नहीं है, वो जो भी आसपास जो आपके संपर्क में जहाँ भी गौशाला चल रही है वहाँ सहयोग करें, या तो गौ माता को एडॉप्ट करें। कह सकते हैं कि गौ माता जो है हमारी है, वहाँ जाकर के जो आश्रम में गौशाला चलती है, कहीं भी चलती है, तो वहाँ उस गाय माता को सपोर्ट करें। दूसरी बात यह है, मन के अंदर कई बार प्रश्न आता है कि हम क्या गौ माता के ही दूध पिए? अगर आवश्यकता है तो गाय के दूध से कई रोग दूर हो जाते हैं, मगर वो भी हमारी देसी गाय। अभी देसी गाय या तो गिर गाय का दूध पूरे विश्व में नहीं पहुंच सकता। तो जब भी आप भारत आए, जब भी आप कहीं भी आए, गुजरात आए, तो उस वक्त देसी गाय, इसका मतलब नहीं कि सिर्फ गुजरात में है देसी गाय, भारत में कहीं भी अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार की देसी गाय की उपलब्धि है, तो उस देसी गाय का दूध का सेवन करें। दूसरी बात, यहाँ महाराज जी आती है कि हम अपने आप में जो दिया लगाते हैं, कई प्रश्न अलग अलग है, मगर अगला हम जब कार्यक्रम होगा तो विस्तार से इसकी बातें करेंगे। मगर मैं कई बार कहता हूँ अपने श्रोताओं को, भक्तों को, कि भाई आपकी पूजा में जब भी दीप प्रागट्य करें तो गाय का घी उपयोग करें, जिसके माध्यम से घर के अंदर नेगेटिविटी उत्पत्ति अगर हो रही है तो खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, गाय के घी का दीपक जो आप करते हो, उसके सामने आप जितने भी मंत्र जाप करते हो, उनकी शक्ति बढ़ जाती है। तीसरी बात यह है, गाय का घी का दीपक के माध्यम से जो अपने आप में कार्य पद्धति, अगर आप, मैंने कई प्रयोग बताए हैं अपने कार्यक्रम में कि भाई घी के दीपक के अंदर, या तो दीपक जो आप करते हो उसके अंदर कौन सी ऐसी वनस्पति डाली जाए जिसके माध्यम से हमारी कार्य सिद्धि, धन की प्राप्ति, कुबेर की प्राप्ति, हमारे घर में बेटियों की शादी नहीं हो रही है, अगर बेटा है तो मेघावी नहीं है, तो उसके लिए मैंने कई प्रयोग बताए हैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी कार्यक्रम में। मगर यहाँ संत संदेश का जो एक कार्यक्रम है, उस संत संदेश के कार्यक्रम में मैं इतना ही कहूँगा कि जैसे महाराज जी ने, नीलेश बापू ने बताया कि एक प्रश्न कि गाय को पशु लोग कहते हैं, मगर गाय को माता क्यों कही गई, उसका पूर्ण विस्तार से आपने सुना। और ये जो हमारा संत संदेश जो कार्यक्रम है, मैं कहूँगा आपके आसपास कोई भी संत हो, आपके आसपास कोई भी मंदिर हो, आप हमें संपर्क कीजिए, आप हमारी जो संतों की वाणी जो है घर घर पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मेरा प्रयास यही रहा कि आज मैं भारत में आया हूँ और भारत में हमारे वागलदरा गांव के सिद्धाश्रम धाम के अंदर पारदेश्वर के चरणों में बैठ करके जो गाय माता का हमने एक मनन मंथन चिंतन जो किया, उससे जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ, उस ज्ञान के माध्यम से मैं इतनी भगवान से प्रार्थना करूँगा कि इस ज्ञान का बूंद आपके घर में भी जाए, इस ज्ञान का अनुभव आपके परिवार में जाए, इस ज्ञान का विस्तार आपके पूरे जन जन तक पहुँचे, जिनके माध्यम से गाय एक लोग जो पशु कहते हैं उसका विचारधारा बदल जाए और गाय को माँ कहने का एक मौका मिले। इतनी ही बात को लेकर के मैं अपने जीवन का जो अनुभव है, संतों की बात यह है, आप तक पहुँचाई। आपका जीवन सुखमय बने, मंगलमय बने, और इतनी ही मनोकामना करता हुआ भगवान पारदेश्वर को मैं प्रणाम करके इतना ही कहूँगा कि आपके घरों में भगवती माँ गाय का एक चित्र भी रखे, गाय की एक चांदी की प्रतिमा भी रखे, तो गाय माता का अस्तित्व आपको अनुभव होगा और आपका जीवन कल्याण होगा। ओम शांति शांति शांति, शांति।